डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। 800 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद की गई हैं। टोलेंटन मार्केट मुर्गियां सप्लाई करने वाले ट्रकों और चिकन शॉप्स की चेकिंग की गई। बीमार और मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने वाले दो दुकानदार और सप्लायर्स पकड़े गए हैं। आपको बताते चलें कि मुर्दा मुर्गियों को तंदुरुस्त मुर्गियों में छुपा कर सप्लाई किया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी का बताना है कि दो दुकानें सील करके मुर्दा मुर्गियों को तल्फ कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि ये कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से। मजीद बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम बताइएगा। जी बिल्कुल, डीजी फूड अथॉरिटी के सरबराही में बड़ी कार्रवाई जो है वो टोलेंटन मार्केट में की गई, जिस दौरान 800 किलो मुर्दा मुर्गियां जो हैं वो बरामद की गई। ये तमाम तर मुर्गियां जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को सप्लाई की जानी थी। टोलेंटन मार्केट मुर्गियां सप्लाई करने वाले ट्रकों और चिकन शॉप की चेकिंग भी की गई और बीमार और मुर्दा मुर्गियां फरोख करने वाली दो दुकानें जो हैं इनको सील किया गया और दो सप्लायर जो हैं इनको पकड़ लिया गया है। जबकि मुर्दा मुर्गियों को तंदुरुस्त मुर्गियों में छुपा कर जो सप्लाई करने पर दो सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाएगी। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि मुर्दा मुर्गियां बरामद होने पर शॉप बंद की गई और मुर्गियां जो हैं वो तलब कर दी गई और तलब करवाने के लिए मुर्गियों को पेंको भट्टी में जो है वो जलाया गया। मुर्गियों का गोश्त खरीद डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि मुर्गियों का गोश्त खरीदते वक्त हमेशा सेहतमंद मुर्गी को अपने सामने जिबा करवाएं और पहले से जो जिबा शुदा मुर्गियां हैं उनका गोश्त लेने से इज्तनाब करें। जी जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शाहदरा साउंड से आपको अपडेट करें, जहरीली चीज खाने से दो भाई पुरस्कार तौर पर जाँ बहक हो गए हैं। 4 साल मुर्तजा और 1 साल मुइज को हस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जाम बढ़ ना हो सके। बहन हिरा तशवीशनाक हालत में हस्पताल में जेर इलाज है। मजीद बात करेंगे आबे चौधरी से। आबे चौधरी बताइएगा, बच्चों ने क्या ऐसा खाया कि वो जानबर ना हो सके? बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि अफसोसनाक वाकया शाहदरा टाउन के इलाके में पेश आया, जहां पर जहरीली शय खाने से दो कमसिन भाई पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए और उनकी 11 साल बहन है जो कि इस वक्त बदस्तूर तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस को दिए जाने वाला जो बयान है, वालदेन का उस कहना है कि बच्चों ने रात गए टीके खाए थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामला मशकूक है। बच्चे के वालदेन को हिरासत में लेकर तहकीकात की जा रही है। पुलिस के हवाले से कहना है कि दोनों भाइयों के जो है उनको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन 4 साल मुर्तजा और 1 साल मोहित जो है वो जानबर नहीं हो सके, जिनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो है वो वाजे हो जाएगा कि बच्चों ने क्या खाया जो कि इनकी मौत का जो है वो उनका तयन किया जाएगा। पुलिस के इस वाले से कहना है कि इस वक्त हिरासत में लिए जाने वाले दोनों बच्चों के वालदैन जो है वो थाना शाहदरा टाउन में मौजूद हैं, जिनसे तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि जहरीली चीज खाने से बच्चे जो हैं वो जाँबहक हुए हैं। शाहदरा टाउन का ये इलाका है जहां पर दो भाई पुरस्कार तौर पर जाँबहक हो गए हैं। 4 साल मुर्तजा और 1 साल मुइज बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया गया मगर वो जानबर ना हो सके।